Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Swiss Sanu, and you are watching Sanu Non-Stop. The guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जो है वो बीजेपी जो है वो इलेक्शन जीती, लेकिन उससे पहले जो है वो जिस तरह से कांग्रेस और कुछ न्यूज एंकर ने जो है वो फनी किस्म के जो है वो बातें बोली कि कांग्रेस जीतेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर एकदम से वक्त बदले और मोदी जी जीत गए. और ये सारे मतलब पार्लियामेंट न्यूज एंकर, लेटेस्ट इंडियन मीडिया फनी मूवमेंट हम लोग देखेंगे किस तरह से सभी लोगों को उम्मीद थी, एंकर्स को, पॉलिटिशियंस को, कि कांग्रेस जीतेगी. फिर जैसे मोदी जी आए तो सबकी बोलतियां बंद हो गई. तो ये वाले मूवमेंट्स जो है फनी है. तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां भी जाकर चैनल को सपोर्ट कीजिएगा. तो बिना टाइम को गए वीडियो की तरफ चलते हैं. क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में, इंडिया के किसके प्यार में, हरियाणा के प्यार. स्वागत है आप सभी का टीवी न्यूज तमाशा के एक और नए धमाकेदार एपिसोड में, जहां आपको देखने मिलेगा भरपूर धमाका, फुल एंटरटेनमेंट. डिस्कनेक्ट कर दिया है क्या तिवारी जी, कहाँ है आपका नेटवर्क? आ गया, आ गया, आ गया. हाँ हाँ आ गया. हाँ आ गया. अरे ये क्या आ गया? हाँ आ गया. हाँ तुम मेरे मुझे नेटवर्क के बाहर ही कर देती हो. गजब कर रहे हैं. तो मुझे हमने हरियाणा से बहुत सीखा है पिका जी. अच्छा, कि कांग्रेस ने अपने साथियों की बराबर सम्मान करना चाहिए. दूसरा, अरे चैदा पूरा तो सुन लो, टिकटें चमचों को नहीं देनी चाहिए, परिवारवाद नहीं रखना चाहिए, और टिकटें बेचने नहीं चाहिए. अगर ये हरियाणा में बेचेंगे कांग्रेस की टिकट? नहीं, कोई सहेली को टिकट दे दी थी इंचार्ज ने, फिर सहेली को. तो शुरुआत करते हैं यू टर्न से, जो कि हरियाणा में हाल ही में देखने को मिला. पहले हाल ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी वाले भी जश्न मना रहे थे और न्यूज एंकर्स भी काउंटिंग के फ्लो में आ गए. इन हरियाणा आई स्टिल फील दैट इट कुड बिकम द कांग्रेस फाइनली मेकिंग अ गवर्नमेंट. द कांग्रेस बारिंग सम मिरेकल एट द लास्ट मोमेंट इज हेडिंग फॉर अ कंक्लूसिव विक्ट्री. आई एम कॉलिंग इट एन आंधी. इनको तो बस कांग्रेस की तारीफ करने बोल दो. अभी आ जाइए AICC, अभी जलेबी आपको आज भी खिलाएंगे, कल भी खिलाएंगे, और प्रधानमंत्री जी को बता भी दीजिएगा. वील सेंड यू अ बॉक्स ऑफ जलेबीज. इनफैक्ट आई विल सेंड यू पर्सनली टू बॉक्सेस. राहुल गांधी का जादू क्या चला है हरियाणा के अंदर? राहुल गांधी का स्टॉक ऊपर बढ़ा है, इसमें अब कोई दो राय नहीं. कांग्रेस के लिए जो सीटों की रेंज है 53 से 65, मुझे ऐसा लग रहा है 5 सीटों का उस रेंज में और इजाफा हो जाना चाहिए, और 58 से 70 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो. ये माया एक्सिस पोल वाले वही एग्जिट पोल वाले हैं जिनकी भरपूर इंसल्ट हुई थी हाल ही में लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में. इस बार कांग्रेस को आगे बता रहे हैं, मोदी जी आ जाएंगे, सुपरमैन है, पर मुस्कान है, और डब्बे में लड्डू और जलेबी दोनों. अच्छा, लड्डू और अच्छा जलेबी खास लेके आए वहाँ से? ये वैसे प्रधानमंत्री जी के लिए है. हाँ. और अमित शाह जी के लिए भी है. अच्छा, और अगर लगे नड्डा जी तो उनके लिए भी. पटाखे चल रहे हैं, जलेबी इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड. खिलाएंगे मोदी जी को भी खिलाएंगे. कब खिला रहे हैं? अभी आ जाइए AICC, अभी जलेबी आपको आज भी खिलाएंगे, कल भी खिलाएंगे, और प्रधानमंत्री जी को बता भी दीजिएगा. 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि फैक्ट्री में जलेबी मिलती है, बनती है, और बाहर भी जाती है विदेशों में. जलेबी बांटने की थोड़ी सी ज्यादा जल्दी थी इनको. धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ती गई और उसके बाद एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और फिर ये सभी लोगों ने यू टर्न मार लिया. वक्त बदल के जज्बात बदल गए. अब देखिए यू टर्न इन हरियाणा. हार के जीतने वाले को पीएम मोदी जी हरियाणा वुड बी क्लीन. राजदीप वाज टॉकिंग अबाउट आंधी है कि तूफान है कि सुनामी है. इट डजंट सीम लाइक एनी ऑफ दैट. इट सीम्स लाइक मैसिव मिड एयर टर्बुलेंस फॉर द कांग्रेस जस्ट एट दिस मोमेंट. द बीजेपी करंटली लीडिंग. दिस इज अ क्लिंचिंग रूपिता. दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग. 43. व्हाट अ नंबर, व्हाट अ नंबर, व्हाट अ नंबर, व्हाट अ नंबर. ये वाकई इतना क्लोज कंटेस्ट होगा क्या, ये देखने वाली बात होगी. बीजेपी इंचिंग टुवर्ड्स हाफवे मार्क इन हरियाणा. मिस्टर सबरवाल, इसी बीजेपी बिग लीड हरियाणा. सब के सब पलट गए. गेटिंग रेडी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन हरियाणा. दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन. इसी तरफ ट्रेंड काफी फेवरेबल है. इसी तरफ ट्रेंड बीजेपी के लिए फेवरेबल है. और अमन, ये वो चुनाव था जिसमें नैरेटिव बिल्डिंग खिलाफ थी, जिसके अंदर बीजेपी को किसी गिनती में नहीं गिना गया. हम ये सोचे कि कुछ यूट्यूब पे जो लोग आते हैं वो नैरेटिव बिल्ड कर लेंगे, तो बहुत गलत है. मैं फिर कहता हूँ कि देखिए न्यूज चैनल्स की बहुत बड़ी प्रमाणिकता है. पूरे इलेक्शन ने जलेबी को फेमस करके रख दिया. हर जगह जलेबी की ही बात हो रही थी. बीजेपी के नेता चारू प्रज्ञा जलेबी. राहुल गांधी जी को एक जीत एक चीज का श्रेय तो जाता है कि उन्होंने जलेबी को जो है इन कर दिया. लड्डू होते थे
और अब जीत की जलेबी भी खाई जा रही है। फिर बात करते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो अपना अलग ही ख्याली पुलाव पकाने में लगे थे। उनको भी काफी ज्यादा उम्मीदें थी शायद। गौर फरमाइए इनकी बात पर। आज लोग मेरे से पूछते हैं आपकी सरकार बन रही है क्या, मैं कहता हूँ हमारे बिना भी सरकार नहीं बन रही आज हरियाणा। जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के समर्थन से बनेगी। लेकिन फिर मोदी जी आए मैदान में। कि सुनामी चलेगी यहाँ पे कांग्रेस की, अब आप बता दो हवा चलेगी आंधी के सुनामी। ये योगेंद्र यादव जी सुनामी चला रहे थे कांग्रेस की। 2 hours later, the allegation is specifically this, that there were EVMs which when opened, EVM गड़बड़ी का जो इनका ब्रह्मास्त्र है आखिरी में निकल ही जाता है। ये लोग पार्टी के कार्यकर्ता लोग जलेबी बांट रहे हैं, जीत की जलेबी। ये कांग्रेस की जीत पर आप लोगों को जलेबी खिलाई जा रही है। जलेबी भाई फेमस होगी। करा मेरे साथ हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा, लेगा कि नहीं लेगा। इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रिया शिनेत का भी एक बयान वायरल होता हुआ दिखा, जहां वो बीजेपी की आने वाली सीट्स का अंदाजा लगाती दिख रही थी। वो एक बात लिखकर दे सकती हूँ, बीजेपी अगर 20 पार कर ले तो इनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कुछ ऐसा ही हाल हरियाणा में बीजेपी का है। अपनी आगामी हार से सकपका कर बीजेपी इतना घबरा गई है, डर गई, बहन डर गई। उसका नतीजा सबके सामने है, 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। इसके बाद वायरल हुए रिजल्ट के बाद वाले सुप्रिया शिनेत के वीडियोस, इसमें भी उनके पास तर्क था। हरियाणा पर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, 7 ऐसी सीट्स हैं जिस पर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी पाई गई। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कम ही होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। इनके ये कॉन्फिडेंस से भरे हुए बयान को बहुत वायरल किया गया। हरियाणा मैं करीब 4-5 दिन लगातार हरियाणा में प्रचार करके आ रही हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बात लिखकर दे सकती हूँ, बीजेपी अगर 20 पार कर ले तो इनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। अच्छा मोदी जी को चैलेंज। 49 है भाई, वाह जी वाह। रिजल्ट के बाद कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने अपने बयानों में जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की, ईवीएम का सहारा लिया हमेशा की तरह। रिसीव्ड वेरी सीरियस कंप्लेंट्स ऑन द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग, द फंक्शनिंग ऑफ ईवीएम्स इन एटलीस्ट। बाद में सब यही कहते हैं काउंटिंग गलत। लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और करारा जवाब दिया। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा, तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है, और जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने, और हरियाणा के इलेक्शन रिजल्ट्स को इनको स्वीकार नहीं करना है। न्यूज एंकर्स जैसे अर्णब गोस्वामी, राजदीप सरदेसाई, अमीश देवगन, सुशांत सिन्हा, इन सब के यू टर्न वाले वीडियोस बहुत वायरल हुए। आपको एक एक करके हर एंकर का पहले और बाद का सिनेरियो दिखाते हैं। हरियाणा यू नो इज कंसर्न्ड, आई थिंक डबल एंटी इनकंबेंसी इज रियली हिट द बीजेपी सॉलिडली हार्ड दिस टाइम, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू रिकवर आउट ऑफ इट। ये थे अर्णब गोस्वामी जब कांग्रेस आगे चल रही थी। अब देखते हैं जैसे जैसे रिजल्ट आते गए तो कैसे इन्होंने यू टर्न लिया। द मोदी फैक्टर इज बैक इन अ बिग वे, सो ऑल द सिनिक्स, ऑल दोस पीपल हु सेड द मोदी फैक्टर इज बिकमिंग वीकर should eat their words tonight. ये खुद ही बोल रहे थे। For the last 10 years we've been hearing double engine, that the center will pull up the state government even if the state government is non-performing. That's not happening anymore. And to that extent there will be a question mark over the center as much as it is over the state, that you can't rely on a non-performing state government and expect Modi ji aa jayenge, superman hai, there are no superman. फिर उन्होंने कहा मैं superman ही हूं। सुबह जब कांग्रेस जीत रही थी कि there are no superman, मोदी जी superman नहीं। अब देखते हैं काउंटिंग के बाद जब बीजेपी आगे निकल गई तब क्या हुआ। सर्टेनली थिंक फॉर द बीजेपी पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी ह्यूज बूस्ट, द डबल इंजन दैट वी स्पोक अबाउट इज वेरी मच बैक, वी कैन नाउ सर्टेनली क्लेम दैट यू नो द डबल इंजन इज वर्किंग। अब देखते हैं अमीश देवगन कितना उछल रहे थे सुबह। राहुल गांधी का जादू क्या चला है हरियाणा के अंदर, ये कई पोस्टर ये कह रहे हैं कि राहुल का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ये दिखाई दे रहा है। एंकर्स भी ना गो विद द फ्लो, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। और अब देखिए
कैसे पलटी हुई। ये था कि अति 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 आत्मविश्वास में डूबी कांग्रेस हार जीत तो छोड़िए, वो सीधे मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने में उलझी रही। अब सुशांत सिन्हा टाइम्स नाउ नवभारत वाले मनोहर लाल खट्टर को लेकर जो नाराजगी थी, ये जब 2019 में नतीजे आए तब भी चर्चा का विषय बना था, फिर भी उनको सीएम बनाना और सीएम पद से हटाने में बहुत टाइम लगा, और फिर जब आप उनको सेंटर में लेकर आ गए तो भी एक मैसेज था कि भाई वहां से हटाएं, लेकिन इनको यहां पर एक सीट या एक अच्छा मंत्रालय दिया गया है, उन पर जिम्मेदारी दी गई है। तुरंत इन लोगों का एनालिसिस चालू हो जाता है और जब पासा पलट जाता है बड़ी आसानी से यूटर्न भी मार लेते हैं। हरियाणा में हिंदू एकता का दांव बीजेपी के लिए काम कर गया। बीजेपी के दो सबसे बड़े चेहरों पीएम मोदी और सीएम योगी ने हरियाणा में हिंदुत्व का ऐसा डंका बजाया जिसकी गूंज से कांग्रेस पस्त हो गई। व्यूअरशिप की जीत दिखा रहे हैं इंडिया टुडे वाले राजदीप सरदेसाई, जबकि सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, सभी ने गलत एग्जिट पोल दिखाए थे। Every state is different from the other. I keep repeating, Rahul. Now we have the momentum. This is a huge morale booster to us. Morale booster. हाल ही में डीडी न्यूज के एक एंकर हैं अशोक श्रीवास्तव, जिन्होंने एक डिबेट में अपना आक्रामक रूप दिखाया जब सामने वाले पैनलिस्ट ने उनको छेड़ा और पाकिस्तान के झंडे की बात हो रही थी। देखिए क्या था पूरा मामला। अभी तो आपका घोषणा पत्र ये कहता है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का झंडा चढ़ाया था उनको आप रिहा करोगे, तो जो पाकिस्तान का झंडा चढ़ाते थे, जो लोग पत्थर मारते थे, जो लोग आपको रुपए लाते थे, आपने तो ये भी वादा किया उनको रिहा करोगे। पाकिस्तान का झंडा देश के विरोध में बात करेंगे तो फिर तो इंसल्ट होना ही। बाप में दम, भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, आपके बाप में दम नहीं है पाकिस्तान का झंडा लेकर आ जाए। आप जैसे गद्दार झंडा लेकर आए, यहाँ से मार मार के जूता मार के निकालूंगा। और अभी आप लहराएंगे ना तो आपके भी पिछवाड़े में ना वहाँ पे पता चलेगा पुलिस बैठी है वहाँ पे भारत की। बहुत नाजुक सूत्रे हाल है। हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद भी अशोक श्रीवास्तव ने कैसे चुटकी ली वो देखिए। चुनाव में आगे नहीं बढ़ पाई, राहुल गांधी बतौर नेता उनपे जिम्मेदारी आएगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई उनकी ही सारी जिम्मेदारी। ओके ओके ओके। अब देखिए होता क्या है, मैं दर्शकों को बताऊं, देखिए होता क्या है, अभी निखिल जी ने भी कितने सारे नाम गिना दिए, कितने सारे हार के कारण गिना दिए। इन्होंने कहा राहुल गांधी जी की भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की है, कुमारी सैलजा की भी है, हुड्डा जी की भी है, कार्यकर्ताओं की भी है, संगठन की भी है, इन फलाना की भी है, ढिमकाना की भी है। राहुल गांधी के उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं जोड़ देता हूँ, राहुल गांधी के सिक्योरिटी कर्मचारी की भी है, राहुल गांधी को पानी पिलाने वाले की भी है, कांग्रेस के चपरासी की भी है, मिठाई लाने वाले। एक मिनट, मैंने आपका पहले कहा, आपने नहीं कहा, मिठाई लाने वाले की भी है, जलेबी वाला भाषण लिखने वाले की भी है। बात सब मतलब हरियाणा में जितने वोटर हैं उन सबकी जिम्मेदारी है कि भाई हारे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव नतीजे आए थे तो जननायक राहुल गांधी को बना दिया था, हालांकि कांग्रेस जीती नहीं थी। आपकी बात मैंने सुनी, मेरी बात सुन लिया करिए सर, मैं दर्शकों से बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी को जननायक गढ़ा गया, आईटी सेल ने गढ़ा, उनके वीडियो बना बना कर, उनकी उनके फोटो लगा लगा के, कोई ऐसे बैठे फोटो, तरह तरह की फोटो, जैसे किसी फिल्मकार को, किसी प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को दे दी जाती है, तो हीरो की अलग अलग बात हो जाने दीजिए, ये किसी को नहीं बोलने देगा, प्रोड्यूसर को कह दिया जाना कि फलाना फिल्म है तो इसके प्रोमो बनाने हैं, तो बड़े बार ऐसे अच्छे अच्छे प्रोमो बनाता है। और कई बार क्या होता है, हम लोग प्रोमो देखते हैं ना, तो प्रोमो देखकर हमको लगता है क्या धांसू फिल्म होगी, लेकिन वो प्रोमो इतने अच्छे बने होते हैं, लेकिन जब फिल्म देखने जाते हैं तो लोग सर पकड़ के आते हैं कि यार प्रोमो तो इतने बढ़िया बनाए थे, फिल्म एकदम घटिया निकली। उसके एंकर हैं अशोक श्रीवास्तव, बीजेपी क्या लगता है अपनी ऐसी डिबेट्स की वजह से। एक डिबेट में मेजर गौरव आर्य आए थे, वहाँ पे उन्होंने बुरहान वानी के बारे में कुछ कहा, जम्मू कश्मीर की एक पार्टी है, अपनी पार्टी, उनके बकार भट्टी को बहुत बुरा लगा, तो फिर मेजर ने देखिए कैसे माफी मांगी, हाथ जोड़ के माफी मांगी। कह रहे हैं आपने कहा कि बुरहान वानी कुत्ते की मौत मारा गया, तो इनको बड़ा दर्द हो गया, कह रहे मत कहिए कुत्ते की मौत मारा गया, ऑब्जेक्ट नंबर 26 सुअर की मौत मारा गया, माफी चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के। You remember about a week and a half ago, I was on a show from Haryana, and I told you I was working in Haryana, and I told you a week and a half ago, Congress is crossing 55 plus, and I said I will come to you on 4th. Congress is crossing 55. ये सुबह की बात है। I've kept my promise. 8:30 I'm here. I am telling you this numbers. Please record it. Congress is 61 in Haryana. हवा तेज चलता है, दिन कर रहा है। टॉपी संभालो, उड़ जाएगा। News anchors की बात करें, तो India Today के राजदीप सरदेसाई वो एंकर है जिनका सबसे ज्यादा दिल टूटा। ऐसे में उन्हीं के साथ ही राहुल कंवल उनके मजे ले रहे थे। So someone should take Rajdeep's post from this morning, juxtapose them with the ones that come now and say क्या हो रहा।
So in a sense, this whole double engine model will come under question. That, you know, for the last 10 years, we've been hearing double engine, that the center will pull up the state government, even if the state government is non-performing. That's not happening anymore. And to that extent, there will be a question mark over the center as much as it is over the state, that you can't rely on a non-performing state government and expect Modi ji aa jayenge, Superman hai. There are no Superman. बीजेपी की बुराई करने मिल जाए बस। Two hours later. I certainly think for the BJP, particularly for Prime Minister Modi, huge boost, the double engine that we spoke about is very much back. He can now certainly claim that, you know, the double engine is working on the all the analysis that we did in the morning about double engine, about Congress Mukt Bharat, about you have to do the antithesis of that. Absolutely. वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिया जज्बात ओके गाइस तो बहुत अच्छी बहुत कमाल की वीडियो थी हरियाणा के इलेक्शन के बारे में सारे मतलब सोशल मीडिया आप लोगों को पता कि जो आगे जा रहा होता है जैसे कि इन्होंने गलत वो नंबरिंग दिखा दी और सारे भाई यही कहना शुरू हो गए कांग्रेस जीत गई ठीक है जलेबियां ले लो ये वो मोदी जी को टॉन्ट बीजेपी को टॉन्ट करना ये लोग स्टार्ट हो गए बट इनको पता नहीं था कि मतलब एकदम से वक्त बदलेगा और जज्बात बदलेगा और सब लोगों के बयानात भी साथ ही बदल गए मतलब लोग सब कह रहे थे पहले कांग्रेस कर रहे थे फिर उसके बाद सब लोगों ने बीजेपी और मोदी जी कहना शुरू कर दिया और एक बंदे ने तो ये भी कह दिया कि भाई मोदी जी कोई सुपरमैन नहीं है ये वो फिर मोदी जी मैदान में उन्होंने बोला यार मैं ही तो सुपरमैन हूँ और कौन है तो अच्छी वीडियो थी कमाल की वीडियो थी फनी थी फंटेस्टिक थी आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी डू कमेंट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।